हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे एल की जो रिक्रूटमेंट निकली थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ए के पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके बारे में बात करने वाले हैं उसके अंदर क्या स्कोर था क्या स्कोर रहा था क्या कट ऑफ रही थी उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सबसे पहले देखते हैं हम जो अप्लाई किया था अप्लाइड फॉर आरआरबी अजमेर से हमने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो यहाँ पर है वो मैंने छिपा रखा है रोल नंबर भी ये है नेम ऑफ द कैंडिडेट ये है नॉर्मलाइज जो मार्क्स थे वो थे सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन सिक्स फोर फाइव टू नॉर्मलाइज मार्क्स आए थे शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट पी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर 2010 नेहरू मार्ग अजमेर ये दे रखा है वेबसाइट भी दे रखी है सी ई एन टू टू थाउजेंड एट्टीन लेवल वन पोस्ट ऑफ सेवंथ सी पी सी पेमेंट टैक्स इसमें कैटेगरी की बात करें तो कम्युनिटी जनरल कैटेगरी के लिए सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन थ्री यहाँ पर कट ऑफ रही थी ओबीसी कैटेगरी के लिए सेवेंटी कट ऑफ थी एससी कैटेगरी के लिए सिक्सटी थ्री थी जबकि एसटी कैटेगरी के लिए 63 सिक्सटी थ्री सर्विसमैन और सी सी ए इन रेलवे के जो होते हैं कैंडिडेट उनकी कट ऑफ ये देखने को मिली थी अगर पी ई टी के रिजल्ट की बात करें तो जो पी ई टी का रिजल्ट है वो हंड्रेड मीटर के रिजल्ट में क्वालिफाइड है तो रिजल्ट में क्वालिफाइड विद नेट टाइम थ्री पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव फाइव जीरो इन फोर लैप्स रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है पी ई -E टी रोल नंबर नेम फादर्स नेम और कैटेगरी थी ओ बी सी कैटेगरी से था नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये था तो ये एल का रिजल्ट था अजमेर से और सेलेक्शन हुआ था इसमें सेलेक्ट हुए थे तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर आप भी रेलवे एन टी पी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम आपके लिए जो कंटेंट होगा समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो